दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यूपी स्कॉलरशिप जो आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका लास्ट डेट क्या है, क्या आप कक्षा 11-12 के स्टूडेंट हैं तो आपका लास्ट डेट कितना है भरने का, और आप यदि पोस्ट मैट्रिक अदर देन यानी आप बीए बीएड बीटीसी कुछ भी कर रहे हैं आईटीआई तो आपका लास्ट डेट भरने का क्या है, मैं आपको बताता हूँ। क्या आपकी लास्ट डेट खत्म हो गई है या आपका डेट बढ़ेगा, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि आपको नई जानकारी मैं देता रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताते हैं यूपी स्कॉलरशिप का लास्ट डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको क्या करना है, यूपी रिजल्ट upscholarship.enic.in सर्च करना है, ठीक है, इतना ही आपको गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद का ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार जब आप सर्च करेंगे तो आपकी फर्स्ट वाली जो साइट आती है यूपी स्कॉलरशिप का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही मेन साइट है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ लास्ट डेट के बारे में, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि अभी आपका फॉर्म भरने का डेट है या ख़त्म हो गया है या बढ़ सकता है। पूरी मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले मैं मेन साइट पे आने के बाद मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस दिखाता हूँ जहाँ पे स्क्रॉलिंग होती है लास्ट डेट के इन्फॉर्मेशंस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डाटा चल रहा है न्यू कर, यहीं पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लास्ट डेट के बारे में। उसके बाद अंदर का पार्ट बताऊँगा कि लास्ट डेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, अभी चल रहा है, डैशबोर्ड के नीचे देखते जाइएगा आप। देखिए यहाँ पर आ गया, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2022 यानी अक्टूबर 9-10 का। और हम बात करते हैं बीए के लिए, ठीक है, यानी आपका पोस्ट मैट्रिक यानी 11-12 और आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या आईटीआई कुछ भी हुआ, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहीं पर चल रहा है स्क्रोलिंग, उसके बाद देखिएगा फिर से आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये आ गया आपका लास्ट डेट का न्यू कर, देखिए अभी आ गया, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2022 कक्षा 9 और 10 एवं 10 उत्तर जो मैंने अभी आपको बताया ये 7 नवंबर तक डेट है, देख सकते हैं 7 नवंबर, यानी कुल मिला जुला कर ये बता रहा है कि आपका डेट जो है एक्सपायर हो गया रजिस्ट्रेशन करने का। अब मुझे विश्वास नहीं है तो आपको दिखाता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक कर स्टूडेंट पे क्लिक कर और आ जाता हूँ रजिस्ट्रेशंस पे, क्योंकि ये गलत बोल रहा होगा। तो हम रजिस्ट्रेशंस पे आते हैं, देखते हैं क्या सच में लास्ट डेट खत्म हो गया है। तो हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन जो बीए का हुआ, आईटीआई का हुआ, बीटीसी का हुआ, तो लास्ट वाले पे क्लिक होता है। क्लिक किए तो देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट इंडेड, यानी इसके कहने का मतलब सही है, मेन साइट सही बता रही है कि आपका लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन करने का ख़त्म हो गया है। अभी आप फॉर्म को सबमिट कर दिए हैं तो हार्ड कापी निकालने का डेट है 10 तारीख तक निकल जाएगा, लेकिन अभी तक सबमिट नहीं किए, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपका लास्ट डेट खत्म हो गया है। लेकिन अब सवाल आते हैं आपके मन में कि अभी तो किसी का रिजल्ट आया है, किसी का रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट लेट आया है, तो क्या स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकता है वो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से बंद हो गया। दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी तो लास्ट डेट इंडेड बता रहा है मेन साइट पे, लेकिन मेरे अनुसार से 99% तक आपका जो है डेट बढ़ेगा, या आज नहीं बढ़ा तो आज शाम तक बढ़ जाएगा या कल बढ़ जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप रख लीजिए, सरकारी लाभ चैनल पर आपको जेन्युइन वीडियो मिलता रहता है।